हाय दोस्तों, आज का चैप्टर रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट एरर है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ओके, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम में निश्चित 100% आने का चांसेस रहता है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवरेल ने किया था दोस्तों। किसने खोज किया था? हेनरी बेकवरेल ने। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन भले अल्फा बीटा एंड गामा खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की सॉरी मतलब नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रोंटजेन ने किसका खोज किया था? एक्सरे का। रेडियो धर्मिता किसका गुण है दोस्तों? तो परमाणु के नाभिक का। रेडियो धर्म सक्रियता किसका गुण है? परमाणु के नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है कौन? परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। किसी परमाणु में अस्थायी नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटोनों की संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। अस्थायी नाभिक में यही होता है, प्रोटोन की संख्या जो होती है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। ओके, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। रेडियो धर्मिता की यूनिट कौन है? रेडियो धर्मिता की यूनिट कौन है? तो क्यूरी है। ठीक है, और एक्टिविटी का जो होता है रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी होती है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियस का साइज फर्मी में होता है। ठीक है, कैंडेला आपका ज्योति फ्लक्स का यूनिट है और एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूनिट है। रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जक है? रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो अल्फा बीटा एंड गामा किरणें का। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा किरण को उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा एंड गामा, प्रोटॉन की संख्या हमेशा न्यूट्रॉन की संख्या से कम होगी। अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और गामा का भी रदरफोर्ड ने खोज किया था। रोंटजेन ने एक्सरे का खोज किया था। डाल्टन ने परमाणु थ्योरी का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने खोज किया था दोस्तों। ठीक है, डॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत दिया था। निम्न से कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समरूप है? हीलियम नाभिक के समरूप कौन होता है? तो बीटा किरणें होती है। हीलियम के समरूप कौन होती है? बीटा या अल्फा? अल्फा दोस्तों, हीलियम के समरूप, हीलियम के समरूप अल्फा होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है बीटा। नाभिक से निकलने वाला विकिरण किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणें की सबसे सर्वाधिक होती है। ओके, जबकि अल्फा किरणें क्या होती है? हीलियम किरणें होती है, अल्फा किरणें। ओके, इलेक्ट्रॉन होता है बीटा किरणें, और सबसे पारगम्यता जिसको क्या कर सकता है, वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। अल्फा किरणें क्या है? हीलियम डबल प्लस आयंस है। अल्फा किरणें क्या है? हीलियम डबल प्लस आयंस होगा। ओके, अल्फा किरणों में उपस्थित क्या होता है? हीलियम के दो प्लस इकाई धन होता है। ठीक है, दो इकाई धन आवेश होता है। बीटा किरणें बनी होती है किससे? ऋण आवेशित कणों से। ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? अल्फा बीटा एंड गामा किसके तुलना में? तो बीटा के तुलना में। ठीक है, संभारिक का निर्माण होता है बीटा कण से। संभारिक का निर्माण किससे होता है? बीटा कण से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही होती है ना। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? तो प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करता है किसी का भी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो बीटा कण कह सकते हैं आप, बीटा कण। क्यों क्यों? देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके उत्सर्जन से क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेगा। जबकि अल्फा किरण तो क्या है? हीलियम प्लस डबल प्लस आयन का है ना। ओके, इसलिए न्यूट्रॉन आपके नाभिक में रहता है। ये क्या होता है दोस्तों? चेंज करने वाला कण है। ओके, ये स्थायी कण कहलाता है। निम्न से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक किसका होता है? बीटा किरणें का। ओके, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है? बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा किरणें होता है। ठीक है, हीलियम डबल प्लस आयन अल्फा होता है। गामा किरणें का सबसे वेदन ज़्यादा क्षमता होता है। परमाणु ही हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती ही नहीं है। सामान्य ऊर्जा की अल्फा किरणें की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है। क्यों? अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि देखिए बीटा किरणें जो होती है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ठीक है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। देखिए, बीटा किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से तो बनी होती है, ये तो सही बात है, लेकिन आपको यहाँ सवाल पूछा समान ऊर्जा की अल्फा किरणें की तुलना में बीटा किरणें में बंधन क्षमता अधिक क्यों होती है?
क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है, उनका वेग अधिक होता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी अधिक होता है। बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है, ठीक है। बीटा किरणों का मास क्या होता है, लगभग जीरो होता है, लगभग जीरो, नगण्य होता है, ठीक है। उनका वेग अधिक होता है, इसलिए उसका वेग अधिक होता है, इसलिए बीटा किरणों की तुलना में बंधन क्षमता अधिक होता है, बीटा का अधिक होता है अल्फा के तुलना में। बंधन क्षमता बीटा क्यों होता है, क्योंकि वह ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही है, दूसरा इसका मास जीरो होता है, लगभग जीरो, ओके, इसलिए उसका वेग अधिक होगा या बंधन क्षमता भी अधिक होता है अल्फा के तुलना में। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश करती है, तो ऋणात्मक करती है बीटा किरणें, ठीक है। हीलियम डेवलप कर साइन अल्फा करने करती है। गामा किरणें किससे बनी होती है, तो गामा किरणें किससे बनी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। गामा किरणें किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है गामा किरणें। दोस्तों याद रखिए, गामा किरणें क्या होती है, गामा किरणें क्या होती है, इसका वेधन क्षमता अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है गामा किरणें, क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा यानी हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है, ठीक है, हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है, ओके। यानी रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस होता है उससे जो एनर्जी रिलीज करेगा, हाई एनर्जी युक्त किरण होती है, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी जो सब्सटेंस होता है उससे जो उत्सर्जित एनर्जी होगा, ये एनर्जी हाईली होता है, ठीक है, ये हाईली एनर्जी युक्त किरणें होती है, हाईली एनर्जी युक्त किरणें होती है, उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। गामा किरणें क्या होती है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। गामा किरणें क्या होती है, रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है, गामा किरणें हाई एनर्जी युक्त होती है, ठीक है। गामा किरणें निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें का अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। अल्फा की किरणें हीलियम डबल प्लस आयन होता है, बीटा किरणें निगेटिव होता है, इसलिए इसका मास क्या होता है, नगण्य होता है, इसका वेलोसिटी अधिक होता है अल्फा की तुलना में। वेधन क्षमता इसलिए इसका अधिक होता है अल्फा की तुलना में, क्योंकि इसका मास लगभग जीरो होता है किस बीटा का, इसीलिए दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि जितना मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे आयनन क्षमता किसकी अधिक होती है, किसकी आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, अच्छा सबसे कम बता रहा है दोस्तों, सबसे कम आयनन क्षमता किसकी होगी, तो बीटा किरणें की, तो गामा किरणें होती है। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, आयनन क्षमता सबसे कम, आयनन क्षमता यानी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होता है गामा का, ठीक है, गामा किरणें का होता है, गामा रे का सबसे कम होता है आयनन क्षमता। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, आयनन क्षमता सबसे कम होता है गामा का, तो सबसे अधिक होता है अल्फा का, सबसे अधिक होता है अल्फा कण का, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन कौन बनाता है, अल्फा किरणें, सबसे कम होता है आयोनाइजेशन क्षमता की सबसे अधिक होता है किसका, अल्फा किरणें का आयोनाइजेशन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरणें के, क्योंकि हीलियम डबल प्लस आयन्स होता है, ठीक है, यानी दो धन प्लस आयन्स होता है। बीटा ऋण आवेशित होता है, लगभग इसका मास नगण्य होता है, इसलिए इसका बंधन क्षमता अल्फा की तुलना में अच्छा होता है, ओके। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते है, ये इसका सबसे कम होता है आयनन क्षमता, सबसे अधिक अल्फा किरणें का होता है। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाता है, शीशा में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, शीशा में कन्वर्ट हो जाता है यानी लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। न्यूनतम पारगम्य क्षमता किन किरणों की होती है, सबसे कम होती है अल्फा किरणें का, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक होगी किसका, गामा किरणें का। सबसे अधिक पारगम्य क्षमता यानी भेद सकता है गामा किरणें, और सबसे कम भेदेगा कौन, अल्फा किरणें, क्योंकि हीलियम प्लस डबल आयन्स होता है, और सबसे ज़्यादा आयोनाइज भी अल्फा किरणें होती है, सबसे ज़्यादा आयोनाइज होती है अल्फा किरणें, ठीक है, और इसका न्यूनतम पारगम्य क्षमता होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है, तो पोलोनियम रखा गया पोलैंड देश के नाम पर, ओके।
कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, रेडियो एक्टिव कौन नहीं है, थोरियम है, यूरेनियम है दोस्तों, पोलोनियम, एल्युमिनियम नहीं है आपका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस नहीं है। नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अन्वेषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का या बोरॉन का। देखिए नाभिकीय विखंडन के दौरान, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अन्वेषण करने हेतु यानी कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन को। ठीक है, बोरॉन को, न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन का यूज करते हैं, बोरॉन को। ठीक है, बोरॉन को यूज करते न्यूट्रॉन को नियंत्रण करने के लिए। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, कौन नहीं होगा आपका दोस्तों, तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, बाकी स्टेटिन, फ्रांसियम या ट्राइटियम, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये सब, रेडियो एक्टिव स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटेनियम, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम, ये सब आपका क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। विघटनाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, तो लेड से बने पात्र में रखना चाहिए। ओके, लेड से यानी पीवी से बने, पीवी, पीवी मैंने लेड से बने पात्र में रखना चाहिए, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है किस में रखना चाहिए, लेड से बने यानी पीवी, पीवी यानी लेड से बने इस पात्र में रखना चाहिए, रेडियो एक्टिव जितना भी सब्सटेंसेस है। ओके, रेडियो एक्टिव जितना भी जैसे फ्रांसियम हो गया, ट्राइटियम, इरिडियम, अभी बताए थे ना दोस्तों, ये सबको किस में रखना चाहिए, तो सीसा के वस्त्र में, यानी जिसे लेड भी कहते हैं, यानी पीवी जिसका इंडिकेशन होता है। ओके, एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, देखिए बीटा कण उत्सर्जन हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो द्रव्यमान संख्या भी क्या होगा, वृद्धि होगी। ओके ओके, परमाणु क्रमांक एक बढ़ेगा, बीटा कण में उत्सर्जन होता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, कितना, एक, अगर एक परमाणु बीटा किरण निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एक बीटा, एक अगर रे निकलता है बीटा कण में, अगर एक बीटा रे निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ओके, मास अपरिवर्तित रहेगा, मास क्या होता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एक कण अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक का परमाणु द्रव्यमान क्या परिवर्तन होता है, अल्फा कण, देखिए वहाँ बीटा कण में आप देखे थे कि एटॉमिक नंबर एक बढ़ा था, अब मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, अल्फा कण में क्या होगा ना, दो एटॉमिक नंबर क्या होगा, दो एटॉमिक नंबर की कमी हो गया, चार का मास वृद्धि होगी, तो अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु क्रमांक दो की कमी होती है, एटॉमिक नंबर अल्फा कण अगर निकलता है तो एटॉमिक नंबर दो घटेगा, एटॉमिक नंबर दो घटेगा। ओके, अल्फा कण अगर निकलता है तो एटॉमिक नंबर दो घटेगा, जबकि परमाणु द्रव्यमान में चार की कमी होगी, मास में चार की कमी होगी, मास की में चार की कमी होगी, अल्फा कण निकलेगा तब, अब बीटा कण निकलता है तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि होगी बीटा कण निकलने पर, अब अल्फा कण के बारे में सोचते तो दो एटॉमिक नंबर में कमी, अल्फा कण से कमी होती है तो बीटा कण से वृद्धि होती है, बीटा से वृद्धि आती है एटॉमिक नंबर में, मास में अपरिवर्तन रहता है, जबकि अल्फा कण में दो की कमी आती है एटॉमिक नंबर में और चार इसका मास कमी आती है। तो सोडियम 11 में एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला क्या है, सोडियम के बाद क्या, तो मैग्नीशियम, तो 12 हो जाएगा क्योंकि बताया था एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। ओके, मास अपरिवर्तित रहेगा तो मैग्नीशियम क्या हो गया, Mg। ओके, यूरेनियम 236 से यूरेनियम 87 224 में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो यूरेनियम 92 से यूरेनियम 87 बनना है, यूरेनियम 97 से यूरेनियम 87 बनना है, तो तीन अल्फा कण निकलेगा, एक बीटा कण निकलेगा। ओके, तीन अल्फा कण निकलेगा तो एक बीटा कण निकला है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मात्रा को दोगुना कर देते हैं,
दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहती है। किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अगर उसके क्वांटिटी को दुगना कर दिया जाए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्वांटिटी को दुगना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी जो क्षरण है उसका रेट क्या होगा? वो ऐसा ही रहेगा, जस की तस रहेगा। ठीक है, सब्सटेंस की अगर बढ़ाते भी है क्वांटिटी तब भी। यूरेनियम 92 से यूरेनियम 87 आता है तो 3 अल्फा का एक बीटा का निकलता है। आप देखिए यूरेनियम 238 से विघटित होकर पोलोनियम 91 234 बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी इसका मतलब है एक कमी हुआ एटॉमिक नंबर का, इसका मतलब अल्फा का एक वो निकला होगा। ओके, 38 है, 38 से 34 बना, इसका मतलब चार एटॉमिक नहीं तो एक अल्फा कण एक वो बीटा कण कह सकते हैं, एक अल्फा कण एक वो बीटा कण हो जाएगा। ओके, एक अल्फा एक वो बीटा कण हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन है दोस्तों। उसका उसी पदार्थ का एक ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो कितने दिन में रह जाएगा? तो 70 दिन में रह जाएगा। ये मैथ है दोस्तों, 140 दिन में, 170 नहीं बल्कि 140 होगा। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड एक दिन है तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? कितना भाग शेष रह जाएगा दोस्तों? आपको बताया था टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड बराबर क्या होता है दोस्तों? 0.693 बाई लैम्डा होता है। ठीक है, अब इससे आप निकालिए कि 4 दिन के पश्चात कितना होगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड एक दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का भाग यानी कितना चार दिन बाद रह जाएगा उसका? तो 6 × 1/4 यानी 6 रह जाएगा। अर्धकाल जीवन काल एक दिन है तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा? प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष में रह जाएगा? तो 6 × 1/4। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीना है, एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की अर्ध आयु 4 महीना है, ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने से में समय लगेगा कितना? कितना लगेगा? 8 महीने लगेगा। ओके, 8 महीने लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 41 का क्वेश्चन, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का कान निर्धारित यानी काल निर्धारित करने के लिए विघ्नाविकता यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? ठीक है, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए करते हैं? देखिए, कार्बन काल भी यूज करते हैं हम लोग, यूरेनियम विधि भी प्रयोग करते हैं। ओके, तो कार्बन काल करना सही होगा, यूरेनियम तो पृथ्वी का मेजर करने के लिए किया जाता है। ओके, या रॉकेट सॉल्ट के लिए यूरेनियम का प्रयोग। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की आयु आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा। ओके, कार्बन डेटिंग तो प्रागैतिहासिक सब्सटेंस को किया जाता है। ओके, या जीवाश्म संबंधी कार्बन डेटिंग किया जाता है। कार्बन रे डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म का। ठीक है, यूरेनियम से चट्टाने का किया जाता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों रेडियो सक्रियता शब्द यानी रेडियो एक्टिविटी का शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? हेनरी बेकवेरल ने किया था सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का शब्द का प्रयोग। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था दोस्तों, याद रखिए। आप प्रोटॉन का किसने खोज किया था? रदरफोर्ड ने, जबकि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हान ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति सिद्धांत ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है।
नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। दोस्तों याद रखिएगा, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे पहले अधिक हानि के विकिरण पैदा होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानि विकिरण पैदा होती है, तो किस में होती है,